और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब तुम सबको पता है कि सीजन रीसेट हो गया है, सबका टियर रीसेट हो चुका है, अब सबने दौड़ शुरू कर दी है कॉन्करर पहुंचने के लिए। और ऐसे में जो लॉबीज आती हैं भाई, वो आफत होती हैं। और ये आफत गेम प्ले तो तुम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इस गेम प्ले में इतना एक्शन है कि अक्षय कुमार की मूवीज में भी इतना एक्शन नहीं होता, तुम खुद ही देखो भाई। लेकिन एक चीज मैं पहले ही बोलूंगा कि देखो, भयानक फाइटिंग होने वाली है, इंटेंस गेम प्ले होने वाला है, तो वीडियो को पहले लाइक कर लेना, अदरवाइज लाइक करना तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम अक्सर गेम प्ले और मेरी कमेंट्री में ऐसा खो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक कर लो, तुम्हारे भाई को बहुत हेल्प मिलती है। अब देखो, मुझे पता था सामने वाली ट्रिपल स्टोरी पे बंदे है, बट मेरी अकेली वहां जाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गन कॉम्बिनेशन देखो आप, एक तरफ है M249 और दूसरी तरफ है DB28। ऐसा नहीं कि गन्स बेकार है, प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर रिलोडिंग पे आया ना, तो भाई रिलोड ही करता रह जाऊंगा। अब यहाँ पर बंदे थे और क्योंकि बुगी के पास उजी थी, तो बुगी चार्जिंग कर रहा था, मैं ऊपर ही बैठा हुआ था। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये बुगी के ऊपर पुश करेंगे, कुछ एंगल बनाएंगे और मेरे को किल्स मिल जाएंगे, बट भाई ये बंदे तो चिपक गए थे। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे को ठीक ठाक लूट मिल गई, मैंने बुगी से बोला, भाई देख, मैं उनके ऊपर रश करने जा रहा हूँ, तू मेरे को प्रॉपर कवर दियो। अब एक मैंने तोड़ा और दूसरा बुगी ने। भाई मुझे लगा था ये दोनों एनिमीज है, बस जो भी हो, मेरे को एक किल मिला, बुगी को एक किल मिला, लाइफ सेट है अपन की। अब यहाँ पर हमने देखो लूट लिया, मेरे को ग्रैपलिंग हुक वगैरह भी मिल गया, AK मिल गई थी, स्कारल थी, तो मतलब लोड आउट तो मेरा एकदम सही हो गया था। तो अब बारी थी उन ट्रिपल स्टोरी वालों को ठोकने की, जिनको मैंने पहले स्पॉट करा था। अब यहाँ पर बुग्गी मेरे से कह रहा था कि हवा में देखो बंदे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मैप पे बंदे बढ़ गए थे, बट मेरे को हवा में कोई दिखा नहीं, तो मैंने एक मॉली डाला ट्रिपल स्टोरी में। अब मेरे मॉली से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी सामने बंदा, भाई किस्मत अच्छी है कि इसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। अब देखो बुग्गी से मैंने बोला उसको फिनिश कर दे, और मैं जानते हो कहाँ पर ट्रिपल स्टोरी सामने वाली जो है उसके अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पर बंदे नॉक हुए हैं। अब मुझे कैसे पता कि ये बंदे नॉक हुए? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो तुक्का मारता हुआ आया था और मेरे को नॉक मिल गया। अब देखो यहाँ पर एक और फुटस्टेप आ रहा था और ये भी नॉक ही था भाई, पता नहीं इनको किसने सूता है, लेकिन थैंक यू मेरे भाई दो फ्री की किल देने के लिए। अब यहाँ पर मेरे को दो किल तो मिल गई थी, लेकिन जिस बंदे को मैंने नॉक करा था वो रिवाइव हो गया था, तो मैंने बुग्गी से बोला, भाई काम कर, उसको फिलहाल के छोड़ दे, पता नहीं कितने बंदे ऊपर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और बंदा था और मैं चाह रहा था उसको फिनिश कर दो। मैं भी आ सकता हूं, लेकिन बुग्गी कह रहा था कि उनको मार लो, ज्यादा बेटर है, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं ही आता हूँ। अब देखो बुग्गी का एक बहुत ही बढ़िया कॉल आया था कि ऊपर दो हैं, तो मैं डायरेक्ट छत पे जाने की बिल्कुल नहीं सोच रहा था, मेरे पास बहुत सारे थ्रोएबल्स भरे हुए थे, तो मैंने उनको डालना शुरू कर दिया और भाई ये बंदा अनकंफर्टेबल हो गए। ऊपर देख के आता हूं। अब पूरी छत पे तो आग बिछी हुई थी। फिर मैंने एक नेड गुक करा और बुग्गी का प्यारा कॉल आया। बुग्गी ने यूज करा था प्रॉक्सी स्क्वाड डिवाइस और उससे उसको पता चल गया कि ये बंदे बैठे हुए कॉर्नर में, तो मैंने नेड गुक करा, एक नॉक और दूसरा भागा था पीछे की तरफ, तो मैंने नेड जो थोड़ा ओवर कुक करा, एक और इस कोने पे बूम। अरे भाई क्या परफेक्ट रेडिंग करी है भाई इधर। अब इधर दो किल मिल गए थे मेरे को और, लेकिन सामने जो अपार्टमेंट है ना, वहां पर बंदे थे, क्योंकि फायरिंग तो हो ही रही थी, तो जैसे ही हमने इनको खत्म करा, लूटा, उसके बाद हमने अपार्टमेंट भी पुश करा, बट भाई मैं रेडी नहीं था यार, ये बंदा यहाँ होगा किसने सोचा था, लेकिन मेरे पास एक ही है भाई, एक एक के आगे कोई बोल सकता है क्या? पता नहीं कोई बेवकूफी होगा जो इस गन को भाई इपिक टियर में डालेगा, गॉड गन है भाई ये। अब देखो यहाँ पर इसको तो मैंने खत्म कर दिया था, बट इसका टीममेट जिंदा था और ये भाई मतलब बहुत टाइम वेस्ट करने वाला है हमारा। अब प्लान मेरा ये था कि मैं खिड़की से घुसूंगा और उसको सरप्राइज करे खत्म कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने हगा है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊं, दूर दूर तक भाषा ही होगी। Right.
भाई पता नहीं क्यों मैं इस दरवाजे पे हमेशा नेट चोक कर देता हूँ भाई। पता नहीं पिंग का इशू है, मेरे जॉयस्टिक का इशू है, क्या है, स्किल इशू है, मुझे नहीं पता भाई। बट पता नहीं क्यों ग्रेनेड भाई बहुत फट रहे इस हफ्ते। ये चौथी बार मैं अपने ग्रेनेड से नॉक हुआ हूँ। वेल यहाँ पर बुग्गी मेरे को रिवाइव दे रहा था और वो बंदा भाग गया था कि मैं नॉक हूँ। उसने पुश करने का सोचा लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के वापस चला गया। मेरा कॉमन सेंस तो यही बोल रहा है कि शायद इसका टीममेट रिकॉल होकर वापस आने वाला है, तो ये उसका वेट कर रहा है क्योंकि 2v1 फाइट लेगा तो हारेगा ही, तो वो वेट कर रहा है अपने टीममेट का। अब देखो भाई क्या होने वाला है। भाई टैप कर करके अंगूठा टूट गया मेरा बीच से, लेकिन गन नहीं निकली। कभी कभी तो लगता है भाई गन हटाया ही ना करूं भाई। अब इसको मैंने नॉक कर दिया, सॉरी मैंने नहीं, बुग्गी ने नॉक कर दिया था और मेरे को रिवाइव मिल गया था। मैं हील लगा रहा था और तभी भाई बंदों ने पुश कर दिया। फुटस्टेप देख के तो दो बंदे लग रहे थे जिसमें से एक कतई शेरा की तरह घुसा और मैंने उसको वापस भेज दिया क्योंकि अपन भी मोगली की खानदान के। क्या बोल गया मैं, वापस लेता हूँ मैं अपने शब्द। अब देखो इनका जो एक और बंदा था ना वो ऊपर चढ़ गया था अपार्टमेंट की छत पे और ये चीज बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। अब प्लान हमारा सिंपल था कि मैं और बुकी दो अलग अलग डायरेक्शन से ग्रैपलिंग हुक का यूज करके ऊपर चढ़ जाएंगे, बट भाई मैं तो फेल हो गया, ऊपर ही नहीं चढ़ पाया यार। मैंने एक और अटेम्प्ट करा और फिर रख दिया। अब मुझे पता था वो समझ गया है कि मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैं फिर भी गया और सूख दिया गया। अब मैं जैसे ही नीचे गिरा ना यहाँ पर एक और बंदा आया जिसको मैंने धर लिया। अब कमाल की बात ये है कि रोहित भाई जो है ना ये टीममेट है ऊपर वाले बंदे के। अब ये बात मुझे कैसे पता चली, भाई रिवाइव देने जाएगा यार अपने टीममेट को ये। अब रिवाइव तो हम इसे देने देंगे नहीं। इस पे ग्रैपलिंग हुक है। अरे मोरी भैया, वो 1 HP। अब मैंने बुकी से बोला भाई मैं बहुत दूँ, मेरे को बचा ले। और तभी आईपैड का स्टोरेज फुल, भाई सब कुछ अभी होगा क्या, मेरा मॉलीपॉप फेट गया लेकिन वो बंदा नॉक हो गया। अब भाई मैंने हेल्थ लगाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टोरेज खाली करके आया। तब तक काफी बंदे छट गए थे क्योंकि बुग्गी यार मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं एफ के बैठा हुआ था। लेकिन जब लौट के आया तो 3 बंदे यहाँ पर बच रहे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इनको खत्म कर दे फिर मेन मैप पे जाके बाकी बंदों को ढूंढेंगे। बट मैं भूल गया था भाई कि ये कौन सी लॉबी है भाई, ये किस स्प्रे में मेरे को 1 HP करा और बुग्गी को नॉक, तो मैं समझ गया था ये बंदा हल्के में लेने वाला तो नहीं है। अब फर्स्ट एड अपन के पास नहीं था तो मुझे अगर फर्स्ट एड चाहिए तो बुग्गी को रिवाइव देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने बुग्गी को रिवाइव दिया और बुग्गी से मेरे को फर्स्ट एड मिल गया, तो अपन दोनों का मामला इधर सेट हो गया। किस्मत अच्छी थी कि जो हमारे दुश्मन भाई साहब थे ना सामने, ये किसी और के साथ भी उलझ गए थे, तो हमको पुश करने का बढ़िया मौका मिल गया। अब देखो मुझे ये बंदा दिख गया था लेकिन मेरे पास अब नेट्स नहीं बच रहे थे, तो मैं जानता तो मुझे पुश करना पड़ेगा, लेकिन जब ग्रैपलिंग हुक हो साथ तो डरने की क्या बात। पर मेरे को ग्रैपलिंग हुक की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इस बंदे को आराम से नॉक कर दिया और उसके बाद फिनिश भी कर दिया। अब देखो यहाँ से एक कांड होना शुरू हुआ, वह क्या कि बुग्गी को बार बार मीत के मैसेजेस आने लगे और उसने गाइडेड एक्सेस ऑन नहीं करा था अपने फोन का, तो नोटिफिकेशन पॉप हो रही थी स्क्रीन पे। और फिर भाई मीत का आया कॉल और तुम बस देखते जाना, कॉल आया तो आया लेकिन कब आया। तुम एक बात का ध्यान रखना, गाड़ी कौन चला रहा है बुग्गी। अब बुग्गी ने गाड़ी ठोकी तभी भाई दो डायरेक्शन से पड़ी हमें और हम भाई इतनी जल्दी फिनिश हुए ना पूछो मत। अब यहाँ पर मीत का कॉल आया था तो क्या ही बोले भाई, कुछ कर नहीं सकते। वैसे मेरे पास आईफोन नहीं है, तुम लोग मेरे को बताना किसी के पास आईफोन हो कि गेम खेलते खेलते अगर फोन आ जाए और गाइडेड एक्सेस इनेबल ना हो तो क्या होता है। पहले यहाँ पर 2 बंदे थे जिसमें से एक नॉक था, पहले मैंने नॉक को मारा फिर दूसरे बंदे को मारा। अब हमारे ऊपर स्कूल से फायरिंग हो रही थी, तो मैंने जब तक लूटा पाटा स्कूल वाले निकल गए थे, तो हमने उनको इग्नोर करा। इग्नोर क्या करा, हमको पता ही नहीं था वो कहाँ गए,
हम आए सीधा जोन में, और जब जोन में आए तो हमको गाड़ी दिखाई दी, तो हमने लगा दी अपनी गाड़ी इसके पीछे। हमें क्या पता था भाई कि आतिशबाजियां होने वाली हैं। अबे कितनी गोलियां चलाओगे, एक एक गोली हो तो। अबे पीछे से कौन मार रहा है? अब भाई मैं नॉक हो गया था, बट उसको इतना लो कर दिया था कि बुग्गी की एक गोली में वो फिनिश हो गया। अब हमको भाई पीछे से पड़ रही थी, और पीछे से एक ही जगह से पड़ सकती है, वो टावर से, और कहीं से एंगल ही नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस में तो कोई नहीं है। तो जब मैं रिवाइव हुआ ना, तो मैं सबसे पहले वेयर हाउस के छत पे आया, बट टावर पे कोई भी बंदा पीक नहीं दे रहा है। तो मैंने आसपास भी चेक कर लिया भाई, क्योंकि ये जगह बहुत ओपन है, मेरे को कहीं से भी पड़ सकती थी, सामने स्मोक भी हो रखा था। फिर मैंने वेट करा और बुग्गी से बोला, भाई जरा मुखड़ा दिखाना बुग्गी, तुम जरा अपना, ये तुमको मारने के लिए बाहर निकलेगा। अरे बाप रे, बेचारा जाल में फंस गया। अब इसको हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन भाई जोन हमारे अगेंस्ट बन गया। अब हमको जोन में जाना था, तो बुग्गी अब भाई अपनी लंबोगनी लेके आया। हम जोन में जाने ही वाले थे कि यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब गाड़ी वाले ने तो कहते ही कुंफू कराटे दिखा दिए थे, तो हम इसके पीछे भागे। लेकिन गेम में आया ट्विस्ट, भाई इस बंदे ने भाई दोनों ठोक दिए दूर से स्प्रे करके, एक स्प्रे में दोनों ले गया। भाई ये कौन सी लॉबी आ रही है, पूरी इतनी भयानक काय चल रही है। अब हमको इस बंदे को ठोकना था, क्योंकि हमारी पर्सनल हो गई थी इसके साथ। अब देखो मेरे को एक बंदा दूसरी तरफ स्पॉट हुआ था, और बुग्गी को दूसरी तरफ। यहां पर देखो क्या हुआ भाई, मेरी सारी गोलियां लड़ गई भाई, और उसकी सारी गोलियां मेरे को कनेक्ट हो गई। अब गेम पूरा बुग्गी के हाथ में था। मैंने बुग्गी को बोल दिया, भाई देख तू मेरे को रिवाइव नहीं दे पाएगा, देने का कोशिश कर वो अलग बात है, बट दे नहीं पाएगा। ये फाइट तेरे को ही लेनी पड़ेगी, चिकन डिनर तेरे ही हाथ में है। और भाई बुग्गी क्या कोई बोल सकता है क्या, कहता है इजी चिकन डिनर।